हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनामिका मार्केट ब्लॉक सो आज हम आ गए हैं किनारी बाजार चांदनी चौक में और मैं मेरी जितनी भी दुल्हन बनने वाली है आने वाले समय में अब शादियों का सीजन आ रहा है भाई तो जितने भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं सखी सहेलियां हैं जो दुल्हन बनने वाली हैं तो मैं उनको आज शॉपिंग कराने वाली हूं यहां पे और मैंने सारा ही जितना भी ब्राइडल कलेक्शन है वो आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है सो so गाइज आज मैं आपको बहुत ही प्यारी हैवी कुंदन ज्वेलरी दिखाऊंगी जिसकी जो रेंज है वो सौ रुपए से ही शुरू हो जाएगी और इवन मैंने खुद भी वहां से परचेजिंग की है वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और आपको एड्रेस लोकेशन सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप दिल्ली से बाहर भी वीडियो देखना चाहते हैं और दिल्ली से बाहर भी आज की वीडियो में हमने बहुत ही प्यारी और अमेजिंग वेराइटी कवर की है so, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सारी ब्राइड्स को जिनकी भी शादी होने वाली है मुझे इन्वाइट जरूर कर लेना कलेक्शन ज्यादा देरी न करते हुए मुझे लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए अगर आप सारी ही मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूं हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जाए तो ये चार हजार रूपए के बोट के हेडफोन हैं जो कि मिलेंगे मेरी 10,000 की फैमिली में से किसी एक को और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा ये हेडफोन उसी के माने जाएंगे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चैनल को लाइक करना है शेयर जरूर करना है सब्सक्राइब करना है और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो गाइज जिसका कॉमेंट हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसके चार हजार के हेडफोन हो जाएंगे और

पन्निया है वैसी वाली और इसमें एक पन्नी में आप चार से पांच साड़ियां रख सकते हो आराम से उसके बाद इस इस टाइप टाइप का देख सकते हो आप ये इस की जो लटकन है पांच सौ रूपए से शुरू होती हैं और आठ सौ नौ सौ रुपए से ही हो जाती हल्की वाली 300 में लेकिन जो बड़ी लटकन होती है जैसे वो थी तो वो हाईवी रेंज तक जाती है जैसे आठ सौ रुपए ये सौ रूपये में हल्दी सेट होने वाला है पीछे रखे हुए डिजाइन आप देख सकते हैं पीछे काफी सारे डिजाइन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर कलर आप इनको ले सकते हैं इस टाइप में आपको और भी कई सारी मिल जाएंगी देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना देख सकते हो आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे यह बा... यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले ये देखिए इस टाइप के जो दुल्हन की माँ दुल्हन की चाची और दुल्हन की बहन जो भी इस टाइप के ईयर होते हैं नेकलेस होते हैं वो सब भी मिल जाएंगे बनारसी वाले सारी बैग भी यहां पे अवेलेबल थे ये आप जैसे दुल्हन की जो साड़ियाँ वगैरह पैक होती हैं अगर आप इसमें पैक करेंगे तो लगन वगैरह में जो चढ़ाते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा मतलब लोग ले रहे थे इसको एक आंटी ने काफी सारी ली थी तो ये उसमें यूज होती हैं उसके बाद इस टाइप के पोटली पर्स जिनका जो रेट है मार्केट में वो सौ है और यकीन मानिएगा अगर आप कोई रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर जो दुल्हन की बहनें होती हैं तो उनको कोई गिफ्ट देना पड़ता है ना तो वो सबके लिए अगर आप अपनी साली को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं आ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सौ रुपए का है और आपका काम भी हो जाएगा मतलब कि अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं कोई सामान रख के तो भी आप इसको ईजिली यूज कर सकते हैं काफी सारे वरायटी गोटा पट्टी में भी मिल जाएगी और अगर आप ज्यादा पीस लेंगे तो भी आपके लिए ये बहुत कम हो जाएगा ठीक है तो ये देख सकते हो यहाँ पे आप ये देखिए ये जो कस्टमाइज लटकन है वो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है और भी काफी सारे लोगों ने अपनी जो लटकन है वो कस्टमाइज कराने के लिए भैया को दी हुई हैं तो ये भैया आपको किनारी बाजार में ही मिल जाएंगे ऐसी कई सारी दुकानें आपको मिलेंगी और भैया ने कांटेक्ट नंबर नहीं दिया था इसलिए मैंने मैंशन नहीं किया क्योंकि भैया ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देते हैं उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ आपको बेस्ट शॉप पे ये पटरी वाली शॉप है जी हाँ और आपको लगेगा कि कोई दुकान है जबकि इन भैया की छोटी सी पटरी है और इनके पास बहुत ही प्यारी ज्वेलरी मिल जाती है इस टाइप की ईयरिंग जो आप देख रहे हैं ये वाले टू के होने वाले हैं और इस झुमकिया आपको थ्री हंड्रेड रुपीज तक देखने को मिल जाएंगी और वैसे अगर आप भैया से बार्गेनिंग करेंगे बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो आपको और कम रेंज में देखने को मिल जाएगा। आपको इस वीडियो में दो सौ रूपये के बीच में देखने को मिलेंगे। अगर कोई हैवी इिंग होगा तो उसका प्राइस को यहाँ पे नीचे काफी सारे इयरिंग भैया परचेज करना है क्योंकि मुझे चांदनी चौक अभी लहंगा शॉपिंग के लिए जाना है मेरी एक फ्रेंड की शादी है तो मैं एक दो दिन में दोबारा चांदनी चौक जाऊंगी और फिर आपके लिए ताजी वीडियो बना के ले आऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम हमें किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना अगर आपको लहंगे की वीडियो भी चाहिए तो मैं वै वैसे भी अपनी फ्रेंड के लिए लहंगा खरीदने जाऊंगी तो मैं आपके लिए भी वीडियो बना लाऊंगी ठीक है मुझे कमेंट करके प्लीज आप लोग जरूर बता देना उसके बाद आप देख सकते हो ये वाले ईयर ये बहुत ज्यादा प्यारे थे जितने भी आप ईयरिंग देख रहे हो गाइस सारे कलर आपको मिल जाएंगे और अगर आपको ऐसा लगता है हमें कोई कलर बनवाना है तो भैया बना भी देते हैं भैया तुरंत सारा मोती होती अपने पास रख के बैठते हैं तुरंत आपको कस्टमाइज करके पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आपका सामान मिल जाएगा देख सकते हो इस टाइप की ईयरिंग भी आपको थ्री हंड्रेड में देखने को मिलेंगे एंड मुझे भैया से बहुत सारी शॉपिंग करनी है बट आज जो है मैं कैश नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं कैश कम ही रखती हूं क्योंकि चोरी होने का काफी खतरा रहता है खासकर ओल्ड दिल्ली में जी हाँ पुरानी दिल्ली में चोरियां होती थोड़ा आप भी अपने पर्स वगैरह का या अपने का ध्यान रखिएगा इस टाइप के के बड़े बड़े कुंदन भैया पास से शुरू हो जाते हैं और जाते हैं तक ये तो ज़्यादा बड़ा है जो नॉर्मल पतले एक लाइन वाले होते हैं वो भैया के पास ढाई सौ तीन में मिल जाएंगे जबकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसकी रेंज अकॉर्डिंग टू प्राइस हो जाएगी जो कि आप जब भैया की शॉप पे जाएंगे तो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप किनारी बाजार में एंटर करेंगे जस्ट आप जैसे ही आगे आगे जाएंगे भैया आपकी ऐसी ऐसी काफी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी और ये देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए इस टाइप के कलेक्शन भी भैया आपने खुद से खोल के आपको दिखाने वाले हैं अभी और इयर ये देखिए ये, ये होने वाला है पच्चीस रुपए का ब्राइट पच्चीसौ रुपए का ब्राइडल सेट आई एम रियली सॉरी ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज का पट्टी बड़ा जो गले का महारानी हार होता है वो आने वाला है और इयर वगैरह आने वाले हैं पूरी डिटेल के लिए अगर आप शॉप पे जाए तो आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा और आई थिंक कि भैया कोरियर आपको नहीं करेंगे इसीलिए आप जब भी शॉप पे जाए तो शॉप पे ही जाके आपको इनसे शॉपिंग करनी पड़ेगी ये है आलिया भट्ट वाला नेकलेस जो कि आपने कई बार देखा होगा लोगों को देखा था लेकिन नौ सौ तक भी दे दे देंगे। जी हाँ, ये मेरा कहना है, बार्गेनिंग आप यहाँ पे अच्छी कर सकते है। और लेकिन इतना कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले का भी ज्यादा नुकसान ना हो जितना उनको सही पड़ेगा भैया उतने में देते हैं वैसे भैया बहुत जिद्दी है उन्होंने मेरे लिए भी रेट नहीं कम देखिए इस टाइप का नेकलेस जो चोकर में होने वाला है आपको सिक्स फिफ्टी में देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही सुंदर होने वाला है इसमें काफ़ी सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे गाइज इस टाइप की ब्रॉड वाली कुंदन पट्टी जो कि बहुत ट्रेंड में है ये थ्री हंड्रेड की होने वाली है मैं अभी कुछ दिनों में दोबारा अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी तब हम बहुत सारी शॉपिंग करके लाएंगे यहाँ से क्योंकि उसे भी ज्वेलरी खरीदनी है और मुझे भी उसकी शादी के लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है ये देख सकते हो उस टाइप के पुराने में जो महीना चलता था उस टाइप का भी एक नेकलेस भैया ने टांग रखा था और यहाँ पे देख सकते हो ये ये देखिए इस टाइप के ये देखिए इस टाइप का माथा पट्टी माथा पट्टी नहीं है ये चोकर है चोकर भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे नेकलेसेस की भी काफी सारी वेरायटी यहाँ पे है अब आप भैया अपना कलेक्शन खुद से आपको दिखा रहे हैं आप ये केवल और केवल साढ़े छह सौ रुपये का पीस है एंड बिलीव मी गाइज अगर आप इसका रेट कहीं भी देख लीजिए ऑनलाइन देखिये या कहीं भी देखिए आपको ये इतने में कहीं नहीं मिलने वाला है इवन होलसेल में भी ये भैया को शायद चार सौ रूपये समथिंग का पड़ा होगा और दो सौ रूपये वो इसपे मार्जिन ले रहे हैं ज्यादा ले भी नहीं रहे हैं उसके बाद देख सकते हैं ये होने वाला है एट फिफ्टी रुपीज का एंड ये प्लेन में होने वाला है आप चाहें तो अपनी मर्जी के कलरफुल मोती भी ऐड करा सकते हैं लेकिन मोस्टली लोग इसको प्लेन में लेके जाते हैं आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है मैंने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो वेडिंग वगैरह के लुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं उनको प्लेन में ही पहने हुए देखा है और आपने भी काफी सेलिब्रिटीज को इसको प्लेन में ही पहने हुए देखा होगा गाइस अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का होने वाला था नेकलेस बहुत चौड़ा था ये इस टाइप का नेकलेस मुझे भूमि जो भूमि पैंडेकर मैम है उन्होंने पहना था एक बार अपनी ड्रेस के साथ वेस्टर्न के साथ मैंने तब देखा था ये वही वाला चोकर है जो भैया के पेंट पर रखा था आपको ठीक से नहीं दिखा होगा इसलिए मैंने इसको उठा के आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की है जितनी भी डिजाइन आपको मैं दिखा रही हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ट्रेंडिंग डिजाइन है ये वाला मैंने डाला कभी -कभी आप सारे कलर जो कलर आप मांगोगे भैया के तुरंत बना के दे देंगे जी हाँ भैया कस्टमाइज भी करते हैं अगर आपका कोई इयर रिंग टूट गया है ज्वेलरी टूट गई है तो वो भी भैया हाथ के हाथ जोड़ के किसी का मोती नहीं मिल रहा किसी का कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ना कुछ टूट जाता है या हमारे पास चोकर जो है बड़े आ जाते हैं हमें छोटा कराना होता है वो सब भी भैया यहाँ पे बैठ के कर देते हैं ये देख सकते हो ये वाला नेकलेस केवल फाइव भैया ने इसका रेट बोला और अगर आप लेंगे तो भैया इसका रेट कम ऑब्वियस सी बात है कर देंगे और वैसे भी मुझे इसका रेट काफी सही लगा इस टाइप की माथा पट्टी आपको सौ रुपए से लेकर तीन सौ रुपए तक देखने को मिल जाएंगी काफ़ी सारे डिजाइन पैटर्न इसमें देखने को मिल जाएंगे जब से आलिया भट्ट ने शादी की है तब से ये वाली माता पट्टी तो भाई ऐसे समझो कि धड़ाधड़ धण बिक जाती है और लोग बाहू इनके पीछे सच में पागल है क्योंकि आलिया भट्ट जी का बहुत अच्छा लुक था और मेरी भी आलिया भट्ट थोड़ी बहुत तो फेवरेट हो ही गई है गंगू के बाद और ये देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप की मीना में भी आपको देखने को मिल जाएंगी और आलिया भट्ट की एक और भैया ने टांगी थी अभी वो टांगे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी इसको ये देख सकते हो हंड्रेड रुपीज के स्टार्ट होने वाले हैं केवल सौ रुपए के भैया ने ये दिए थे लेकिन बोले थे डेढ़ सौ के एक दीदी ने इनको लिया था तो मैंने कहा दीदी एक मिनट दे दो वीडियो बनाने के लिए उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे कस्टमर भैया के पास परचेजिंग कर रहे थे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था लेकिन मैं तो भैया अपनी जद पर अड़ी थी कि मुझे वीडियो बनानी है और भैया भी बहुत ज्यादा स्वीट थे उन्होंने काफी कॉपरेट किया वीडियो बनवाने में अगर आप इन भैया से

ये वाला चोकर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है और ये वाला देखिए ये भैया ने मुझे बोला इसका रेट थ्री हंड्रेड रुपीज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा लेकिन अगर आप लेंगे तो दो सौ रुपये में भी आपको ये मिल सकता है बाकी जितना भैया का मन करेगा भैया आपको उतने में ही देंगे उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है ये नौ सौ रुपये का भैया ने सेट बोला ये वाला मुझे थोड़ा सा महंगा लगा क्योंकि नौ सौ रुपए इज नॉट वर्थ इट ये देख सकते हो इसका मांगटीका होने वाला है और ईयर भी भैया कुछ इस टाइप के बता रहे थे हो सकता है कि नौ सौ भैया ने ठीक भी बोला हो आप बताइएगा कॉमेंट में कि नौ सौ रुपये इसका रेट ठीक है या ज्यादा है मुझे थोड़ा

है और इनसे अपनी परचेजिंग जो है कर लेनी है ये देख सकते हो यहां पे काफ़ी सारी इयरिंग्स आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है इस टाइप के जो ईयरिंग जो कि बॉलीवुड में काफी ज्यादा ट्रेंडी है वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ठीक है मैं बार बार आपको इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ बॉलीवुड या सेलिब्रिटी क्योंकि हम लोग मोस्टली उन्हीं लोगों से इंस्पायर होते हैं और काफी लोग होते हैं मैं भी होती हूँ भाई क्यों इसमें कोई वो बात नहीं है तो हम सब उनसे इंस्पायर होते हैं और हमें भी लगता है कि भाई हम भी हीरोइन लगे तो इसीलिए मैं बार बार उनका नाम ले रही हूँ तो आप ऐसा मत समझना कि मैं उनसे कुछ ऐसा प्रभावित हूँ या ऐसा कुछ नहीं है बट ये देख सकते हो ये वाले इयरिंग्स मैंने परचेज़ किए जो कि थे बहुत ज़्यादा सस्ते जी हाँ ये देख सकते हो पहले एक मिनट ये देख सकते हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे ईयर से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मैंने इनको खरीद लिया है मे बी मैं इनको जन्माष्टमी पे वेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं कि जन्माष्टमी पे मैंने ये ईयर पहने और कैसे लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं इंस्टाग्राम पर इसकी फोटोज शेयर कर दूँगी और अगर आप बोलेंगे तो कम्युनिटी में भी कर दूँगी उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप के काफ़ी अच्छे अच्छे नेकलेस भैया के पास थे क्योंकि भैया के पास कस्टमर की काफ़ी भीड़ थी तो इसलिए मुझे बार बार कैमरा हटाना पड़ रहा था लगाना पड़ रहा था और दिक्कत हो रही थी बार बार लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्रॉपरली मैंने आपको कलेक्शन जो है वो दिखाने की कोशिश की है ये देखिए इनके पास ऑलमोस्ट सारा ही आइटम चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो कुछ भी आपको मिल जाएगा ये वाला जो नेकलेस था भैया 1200 बोल रहे थे और मैंने बोला भैया ये मुझे लेना है तो आप प्लीज़ सही रेट लगाओ तो सबसे पहले मैंने इसको ट्राई किया और देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली लोगों की शिकायत आती है अनामिका आप कभी वीडियो में अपियर नहीं होती हैं तो आज अनामिका अपीयर हो गई हैं वीडियो में इस बात पर वीडियो को ज़रूर लाइक करना और देख सकते हो यहाँ पर हालांकि ये कोई ऐसी क्रिंज वीडियो नहीं है आप कर भी सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए और ना भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आए लेकिन मुझे लगता है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी देख सकते हैं ट्वेल्व हंड्रेड इसका रेट भैया ने बोला और मैंने बोला भैया थोड़ा सो so गाइज ये वाली जो शॉप थी ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई मतलब मैंने जैसे ही बाहर से देखा तो मैंने अंकल को तुरंत परमिशन ली और उनकी वीडियो रिकॉर्ड की यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी मिल जाएंगी जिनकी रेट भी बहुत कम है और अंकल के पास आपको चाहे आपको अपनी साड़ी के लिए ले लेस ले लेनी हो लहंगे के लिए ले लेस लेनी हो या फिर आपको किसी फैब्रिक से कुछ सूट वगैरह या डी करना हो तो वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी हर तरह की लेस हर कलर की लेस आपको मिल जाएंगी डायबल लेसेस भी आपको भैया के पास देखने को मिल जाएंगी शिमर वाली हूँ सीक्वेंस वाली हूँ

का दस मीटर कोई तीन सौ का दस मीटर कोई चार सौ का दस मीटर उस तरह से इनकी वैरायटी होती है क्योंकि मोस्टली ये वही लोग लेते हैं जिन्हें साड़ी वाड़ी में लगाना होता है बाकी इस टाइप की इतनी चौड़ी चौड़ी लेसेस कोई ब्लाउज वगैरह में तो मेरे ख्याल से नहीं लगाता मैं तो नहीं लगाती हूँ सो गाइस मैं इस वीडियो में मैंने आपको हर तरह का कलेक्शन दिखाने की कोशिश की है उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी अगर आप इसमें से कुछ भी खरीदना चाहते हैं मेरा सजेशन यही है कि आप चांदनी चौक मार्केट विजिट करें उसके बाद वहां पे जाके ही खरीदें किनारी बाजार चांदनी चौक जो कि पराठे वाली गली में है ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है इसलिए आप बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा सीक्वेंस और सीरियल वाइज मैंने दुकानों की वीडियो बनाई है तो आपको ईजिली ये दुकानें मिल जाएंगी गाइज अब वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी प्लीज गाइज अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सो so गाइज मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा कॉन्टेंट लेके आओ और अगर आप चांदी चौक का और भी कोई कलेक्शन देखना चाहते हैं जैसे लहंगा साड़ी दुपट्टा वगैरह तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी गाइज मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ किसी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए मेक श्योर करना चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बाय सी यू